बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने लास्ट क्लास में अपनी हमने डिस्कस किया था रासायनिक बंधन, और जिसमें मैंने आपको अलग अलग कई तरह के टॉपिक्स आपके सामने रखे। बच्चों आज की क्लास में मैं आपके सामने अतिव्यापन टॉपिक ले रहा हूं, तो बच्चों हम समझेंगे कि अतिव्यापन क्या होता है, और ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चों अतिव्यापन कहता है कि दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल के जुड़ाव की प्रक्रिया को अति व्यापन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बोला है दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल के जुड़ाव की प्रक्रिया को अतिव्यापन कहते हैं। बच्चों मैं यहां पर आपको अतिव्यापन के प्रकार भी बताने की कोशिश करूंगा, तो हम समझेंगे अतिव्यापन के प्रकार। बच्चों आप याद रखिए, अतिव्यापन सामान्यतः जो है वो दो तरह के होते हैं। बच्चों दो तरह के अतिव्यापन में जो सबसे पहला अतिव्यापन है, हम उसको बोलते हैं सम्मुख अतिव्यापन। ठीक है, सम्मुख अतिव्यापन। तो बच्चों मैंने बात की है सम्मुख अतिव्यापन की, आप याद रखिए बहुत सारी बुक में इसको समाक्ष अतिव्यापन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। जबकि दूसरा जो अतिव्यापन है हम उसको कहते हैं पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, तो बच्चों ये दो तरह के अतिव्यापन होते हैं हमारे पास। चलिए जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि सम्मुख और पार्श्व अतिव्यापन क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों मैं आपके सामने पहले वाले अतिव्यापन को लेने जा रहा हूं, जिसको हमने कहा है सम्मुख अतिव्यापन। सम्मुख अतिव्यापन, बच्चों ध्यान दीजिए और समझिए, जब दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु ऑर्बिटलों का जुड़ाव नोड की सहायता से होता है, नोड से नोड की सहायता से होता है, तब इस प्रकार के अतिव्यापन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे सम्मुख अतिव्यापन, ये कहलाता है सम्मुख अतिव्यापन। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है इस दौरान अतिव्यापन क्षेत्र में, ठीक है, अतिव्यापन क्षेत्र में सिग्मा बंध बनता है। बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी अतिव्यापन क्षेत्र होगा उस अतिव्यापन क्षेत्र में कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जल्दी से उदाहरण देखिए बच्चों, बहुत सारे उदाहरण मैं ले सकता हूं। मैं पहला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, एस ऑर्बिटल। ठीक, आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, प्लस मेरे पास एक अनदर एस ऑर्बिटल है, बच्चों अगर एक एस ऑर्बिटल इस तरह से है प्लस एक दूसरा एस ऑर्बिटल इस तरह से है, तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल का नोड है और ये दूसरे ऑर्बिटल का नोड है। फाइनली बच्चों जब ये जुड़ेंगे तो इनके जुड़ने की बात की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये अतिव्यापन क्षेत्र कहलाएगा, दोनों ऑर्बिटल के जो नोड है वो एक हो जाएंगे, और ये अतिव्यापन क्षेत्र में जो बंध बनेगा उस
का एक उदाहरण देखा, मैं अतिव्यापन का दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूँ। बच्चे दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एस ऑर्बिटल में नोड दूसरे एस ऑर्बिटल के नोड के साथ जुड़ाव कर रहा है ना, तो जब नोड से नोड जुड़ेंगे तो ऑर्बिटल के जुड़ाव की जो प्रक्रिया है वो आपको हमेशा जो अतिव्यापन देती है बच्चों वो सम्मुख अतिव्यापन देती है। तो ये सम्मुख अतिव्यापन का एक उदाहरण है, मैं अगला उदाहरण आपके सामने लेने जा रहा हूँ। मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है बच्चों, ठीक है, मैंने एस ऑर्बिटल ले लिया। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास पी ऑर्बिटल, ठीक है। जब एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलेंगे तो देखिए क्या होगा, एस ऑर्बिटल गोलाकार, पी ऑर्बिटल आप एक्स एक्सिस वाला ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल का नोड है और ये ऑर्बिटल का नोड है, तो फिर से बच्चों नोड और नोड के बीच में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। फाइनली इनके जुड़ने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको, ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कि ये डायरेक्ट ऐसे जुड़ेंगे तो उससे पहले की जो प्रक्रिया होगी बच्चों वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी कि एक ऑर्बिटल इस तरह से होगा और जो एस ऑर्बिटल है वो इससे इस तरह से सम्मित हो जाएगा। पहले ये अतिव्यापन क्षेत्र निर्मित होगा जहां पर बंध बनेगा सिग्मा, जो बाद में इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमको नीचे वाला आपकी बुक में देखने को मिलेगा ये वाला प्रतिबिंब। तो बच्चों इस तरह से अतिव्यापन क्षेत्र में जब भी सम्मुख अतिव्यापन होगा हमेशा बंध कौन सा बनता है, सिग्मा। चलिए अगले वाले को भी समझ लेते हैं जल्दी से। और बच्चों हमारे पास जो अगला है वो है दूसरे नंबर का पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन, बच्चों हम पार्श्व अतिव्यापन के लिए बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हमारे पास एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल होगा प्लस वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ जुड़ाव करेगा, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, जुड़ाव। तो एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल के साथ जुड़ाव करेगा तो जुड़ाव की जो प्रक्रिया है ना, वो नोड की सहायता से, नोड की सहायता से ना होकर, ना होकर कैसी होती है बच्चों, लोब्स से लोब्स, ठीक है, लोब्स से लोब्स। अब बहुत सारी बुक में बच्चों जो लोब्स है उसको क्या भी कहा गया है, पाली है ना, लोब्स से लोब्स मिलने से होती है। यानी बच्चों जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल नोड से नोड जुड़ाव ना करके उनके लोब्स से लोब्स जुड़ेंगे तो उनके बीच में हमेशा कौन सा अतिव्यापन होगा, वो होगा बच्चों पार्श्व अतिव्यापन। उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उदाहरण देखिए बच्चों, मैं पी एक्स ऑर्बिटल ले लेता हूं, पी वाई ऑर्बिटल, एक अनादर पी वाई ऑर्बिटल के साथ इनका जुड़ाव करता हूं तो मुझे पी वाई और पी वाई के बीच में पार्श्व अतिव्यापन देखने को मिलेगा। जो वाई एक्स ऑर्बिटल है वो इस तरह का होता है प्लस एक दूसरा वाई ऑर्बिटल इस तरह का होता है बच्चों। ये दोनों जब पास पास आएंगे बच्चों तो इनके जुड़ाव की प्रक्रिया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इनके पार्श्व हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जबकि इनके जो लोब्स हैं बच्चों ना, ये देखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं उनके कलर चेंज कर देता हूँ। ये रेड वाला हिस्सा देखिए, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है। तो इनके जो नोड हैं ये जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके बीच में पर्याप्त दूरी और वो एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जबकि इनके जुड़ने की जो प्रक्रिया है बच्चों वो देख सकते हैं, इस स्थान पर इनके बीच में जुड़ाव हो रहा है, मतलब लोब्स वाला क्षेत्र जो इनका वो इनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, वो जुड़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह का एक बंद बनेगा। इस बंद को हम कहते हैं ये पाई बंद है और पाई बंद जो है बच्चों वो दुर्बल होता है। तो आपको इसका मतलब है समझना है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल नोड की सहायता से ना जुड़कर लोब्स से लोब जुड़ेंगे तो उनके बीच में हमेशा पार्श्व अतिव्यापन होगा और पार्श्व अतिव्यापन जब भी होगा तो उनके बीच में पाईबंद बनेगा और पाईबंद दुर्बल प्रकृति के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।